हाय गाइस, अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं और दिसंबर में होने वाले ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो भी आप वीडियो को देखें क्योंकि आपके लिए भी ये बहुत यूजफुल होगी। स्टार्ट करते हैं एडमिशन टिकट से। जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड में जाएं और ये जो फर्स्ट लिंक है इन ब्लू कलर, इसको क्लिक करें और इसको ध्यान से पढ़ें। इसका प्रिंटआउट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे OBE गाइडलाइंस पर। आई थिंक एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है गाइडलाइंस पर, तो इसमें एक आधा पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 5, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं स्टूडेंट्स की। इसमें लिखा है बोल में, स्टूडेंट्स मस्ट इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड इज करेक्ट, लाइक एनरोलमेंट नंबर, नेम एक्सेट्रा। तो गाइज, ये एनरोलमेंट नंबर कहाँ होता है, इसको कैसे चेक करें, लेट्स फाइंड आउट। अगर आप अपने SOL अकाउंट में लॉग इन करेंगे, जब आप डैशबोर्ड देखेंगे उसमें आपका नाम होगा, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। इस सेक्शन को छोड़ दें, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें जहां पर लिखा है जनरल इन्फॉर्मेशन, वहां पर आपका एनरोलमेंट नंबर विजिबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना एडमिशन टिकट या हॉल टिकट को ध्यान से देखें तो आई थिंक इसमें एनरोलमेंट नंबर नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, लाइक एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, व्हाट दे मेंट वाज कि आप अपना एग्ज़ाम रोल नंबर और SOL रोल नंबर वगैरह वेरीफाई करेंगे, वो ठीक से इसमें लिस्टेड है, ठीक है। बाकी डिटेल्स भी चेक करें, वेरीफाई करें, जैसे आपका नाम, योर फादर्स नेम, एड्रेस, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम रोल नंबर और SOL रोल नंबर को ध्यान से वेरीफाई करें। एंड देन लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शंस। सो गाइज, आपको OBE के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो देखते रहें, ठीक है। इट सेज एवरी स्टूडेंट हैज टू रजिस्टर ऑन बिलो मेंशन्ड URL फॉर डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। सो ये जो लिंक है वो आपके एडमिट कार्ड में ही दिया हुआ है, इसे क्लिक करें। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले गाइस, जो इंस्ट्रक्शंस हैं आइए उन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली वेरीफाई द डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम द एडमिशन टिकट एंड डेट शीट पब्लिश्ड बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अवेलेबल ऑन द SOL वेबसाइट, ठीक है। तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो आपके पेपर्स मैंशनड हैं, जो डेट एंड टाइम यहाँ पर मैंशनड है, उसे आप वेरीफाई करें कहाँ से, जो डेट सीट रिलीज हुई है उससे, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, दैट इज पॉइंट नंबर 2, अगर डेट या टाइम में कोई प्रॉब्लम लगता है आपको, तो आप जो डेट सीट में जो टाइम गिवन है अकॉर्डिंग टू योर पेपर्स, आप उसे ही फाइनल माने, ठीक है। थर्ड है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड ऑल द कंटेंट्स केयरफुली इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द एडमिशन टिकट। और ये आप कर रहे हैं, ठीक है, आप रूल्स इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ रहे हैं। इससे एक बात याद आती है कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस बार आपको, लाइक इस बार नहीं, एवरी टाइम जब भी आप OBE देते हैं आपको पर्सनल डिटेल्स मेंशन नहीं करनी होती। फॉर एग्जांपल योर ईमेल आईडी, ठीक है, योर कॉन्टैक्ट नंबर। इवन तक कि एक इशू आ रहा है, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इट्स फाइन, कॉलेज नेम नहीं लिखना, ईमेल आईडी नहीं लिखनी और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना। काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि लास्ट में साइन करना है या नहीं। तो गाइज, अगर हम अपने आप को अपडेट रखें और गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करें तो आई थिंक इन क्वेरीज का आंसर हम खुद से निकाल सकते हैं। बट आई विल आंसर दिस क्वेरी इन जस्ट अ मिनट और सो, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट सेज, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी और प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडमिशन टिकट, कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट ऑनलाइन ऑन द ईमेल, ये ईमेल एड्रेस गिवन है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम लगती है आपको एडमिशन टिकट में, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस ईमेल पे ईमेल करें। एंड देन द कैंडिडेट शुड बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एक्सेट्रा ऑन द टॉप ऑफ द आंसर शीट, ठीक है। द इनकरेक्ट एग्जामिनेशन रोल नंबर मे लीड हिज और हर आंसर शीट अन इवेलुएटेड एंड अनट्रेसेबल।
ठीक है, नंबरिंग भी आपको करनी है। तो आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर ध्यान से केयरफुली स्लोली लिखें, ठीक है, जल्दबाजी मत करें। मैं तो कहूँगा कि जब आपका एग्ज़ाम शुरू होता है उससे पहले ही ये डिटेल्स फिल करके रखें, उसको डबल क्रॉस चेक करें कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। And then all students, those are appearing in open book examination, have to register themselves. ये अभी registration करते हैं in just a minute, ठीक है। और 8 point कहता है, the candidates of SOL should download the question papers from this website in designated portal as per date sheet of examination. ये भी हम देखेंगे, ठीक है। If in case any candidate is unable to download the question papers from this portal, then he or she has another alternative procedure to download the question papers. उसकी भी बात होगी कि अगर आप जो main portal है OBE का, वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो एक लिंक दिया जाएगा SOL की वेबसाइट पर, वहां से आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस उसके बाद जो पॉइंट्स हैं, आई थिंक ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, OBE गाइडलाइंस जब हमने डिस्कस की थी, पर यहां पे जो पोर्टल की बात हो रही है, ठीक है, solobe.uod.ac.in, इसी पोर्टल का प्रयोग करें, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा लिंक दिया जाएगा वो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है कि जस्ट इन केस ये काम नहीं करता आपके लिए तो, ठीक है, एज अ बैकअप ऑप्शन रखा गया है अकॉर्डिंग टू मी। And then all other instructions mentioned in various notifications related to OBE examination released by the University of Delhi time to time shall be followed strictly. जो भी notifications आते हैं उन्हें पढ़ते रहिए। आपके groups में आते हैं तो very good, नहीं आते हैं तो आप खुद website को check करते रहें, ठीक है। तो गाइज आप करते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आप जाएं, ये जो लिंक गिवन है आपके एडमिशन टिकट में, ठीक है, इस लिंक पर जाएं और यहाँ राइट साइड में आप देखें लिखा होगा ग्रीन बॉक्स में न्यू रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक करें, ठीक है। जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो कुछ ऐसी होगी, जहाँ यहाँ पे चार चीज़ें हैं, ठीक है, मोड, प्रोग्राम, नेम एंड एग्जामिनेशन रोल नंबर, इन्हें आप फिल करें। अगर आप 2019 बैच के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपका सेमेस्टर मोड होगा। जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं उनका प्रॉबेबली मोड ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद अपना प्रोग्राम चूज़ करें, अगर आप बीए प्रोग्राम में हैं, बीकॉम जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसको आप चूज़ करें केयरफुली। और फाइनली अपना नाम, ठीक है, और एग्जामिनेशन रोल नंबर आप डालें और सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद गाइस जो स्क्रीन आएगी यहाँ पे लिखा है प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। अपना खुद का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालें, दोनों चीज़ें डालें, ठीक है, बिकॉज दी डिटेल्स विल बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन पासवर्ड रीसेट फैसिलिटी, ठीक है। आप इसे फिल करें और सबमिट पर क्लिक करें। तो गाइस जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला था दैट शुड बी द वन विच इज़ रजिस्टर्ड विद SOL, ठीक है। और उसके बाद अगर OTP की बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है कई बार, ठीक है। तो गाइस आप पैनिक मत करें, अगर मान लीजिए मोबाइल पर OTP थोड़ा देर से आता है या 30 सेकंड्स में आता है तो इट्स फाइन। अब अपना ईमेल चेक करें, आपको ईमेल में OTP आया होगा, वो डालें, ठीक है, और आगे प्रोसीड करें। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर आप अपना पासवर्ड बनाएं, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, लाइक ट्राई टू इंक्लूड कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल केस लेटर्स एंड अ नंबर एंड अ कैरेक्टर, पर ऐसा बनाएं जो आपको याद रहे, ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम के डे पर आप पासवर्ड भूल गए हैं अपना, ठीक है। और फाइनली इसमें मैसेज आएगा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर, ग्रेट यू कैन लॉग इन नाउ। उसके बाद एग्जामिनेशन रोल नंबर डालें और पासवर्ड डाल के आप अभी से एक बार लॉग इन करके चेक करें। तो ये है आपका पोर्टल या डैशबोर्ड कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आप स्टूडेंट में जाके प्रोफाइल में भी जा सकते हैं, डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं, और जब एग्ज़ाम देंगे तो आप क्लिक करेंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो कि डैशबोर्ड में भी गिवन है इसका लिंक, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर मेन्यू है वहाँ पर भी इसका लिंक गिवन है। एंड गाइज जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी OBE दे चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं गाइज ऐसा लेआउट होगा, अभी यहाँ पर ऊपर एग्ज़ाम डेट में हमने डाला है 30th of November, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का फर्स्ट एग्ज़ाम है 30th of November को, ठीक है। तो उस दिन का जो एग्ज़ाम स्केड्यूल्ड है
वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन उस दिन ऑटोमेटिकली दिखाएगा आपको, कहीं पर कुछ नहीं डेट नहीं डालनी है, ऑटोमेटिकली दिखाएगा। और ये है आपका एग्ज़ाम डेट, उसके बाद जो पेपर डाउनलोड स्टार्ट टाइम है गिवन होगा, ठीक है, और यहाँ पर आप आंसर शीट अपलोड करेंगे, लिंक्स उस समय एक्टिव हो जाएंगे जब एग्ज़ाम का टाइम शुरू होगा तो, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेरी है, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में लिखा आता है राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन ईच पेज ऑफ योर आंसर शीट। तो गाइज मैं इसके लिए बता दूं कि जब भी ए बी ई हुआ है अभी तक, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन हुआ होगा, तो उसमें प्रॉबेबली जो आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें लिखा होगा, ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है जो असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन में दिया था, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था राइट योर नेम एंड रोल नंबर। लेकिन जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है उसमें कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि राइट योर नेम यू नो ऑन योर आंसर शीट। तो जो गाइडलाइंस हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर तो हम लिखा था हमने लास्ट टाइम, इस बार क्यों नहीं लिखना है, तो गाइज ये लास्ट टाइम की ओबीई गाइडलाइंस हैं, इसको हम स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो वहाँ पर लिखा हुआ था जो मार्च में हुए थे, ठीक है, नेम ऑफ द कॉलेज, ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट एंड मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। पर गाइज ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार आपको डालने के लिए बोला गया था तो आप बस हमेशा वो डालते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई मैसेज व्हाट्सएप पर बन गया, किसी यूट्यूब चैनल पर बता दिया गया तो वो ब्लाइंडली आगे फॉरवर्ड हो रहा है। इस बार की गाइडलाइंस दोबारा देखें, तो जिन्होंने गाइडलाइंस प्रॉपरली पढ़ी हैं वर्ड बाय वर्ड पढ़नी चाहिए, ठीक है, और यह आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने गाइडलाइंस एक्सप्लेन की हैं। तो गाइज इसमें साफ साफ लिखा है, इसको बोल्ड भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, ऑन द फर्स्ट पेज द स्टूडेंट शैल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स एंड प्रोवाइडिंग एनी अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एंड नेम ऑफ द कॉलेज will be treated as unfair means and action will be taken as per university rules। तो साफ साफ लिखा है आपको ईमेल आईडी नहीं लिखनी, अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखना, कॉलेज का नाम भी नहीं लिखना, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अनफेयर मीन्स में काउंट होगा और एक्शन लिया जाएगा। तो जो चीज़ें आपको लिखनी हैं फर्स्ट पेज पर वो है डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन इन द फॉर्मेट गिवन हियर, एग्जामिनेशन रोल नंबर ऑब्वियसली, नेम ऑफ द प्रोग्राम, ओके, सेमेस्टर और ईयर एंड यूनिक पेपर कोड एंड द टाइटल ऑफ द पेपर। इसके अलावा गाइज आपको और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, पहले जो किया था वो भूल जाएं, अभी जो फ्रेश गाइडलाइंस हैं इनके हिसाब से कहीं भी ऐसा भी नहीं लिखा है कि आप नीचे साइन करें। तो अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज मान लीजिए बन गया है, वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है ग्रुप्स में, उसमें लिखा है कि नीचे सिग्नेचर करना ज़रूरी होता है, तो गाइज आई डोंट थिंक सो, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग ये जो गाइडलाइंस इस बार इश्यू हुई हैं इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको नीचे साइन करना है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप समझिए इस बात को कि जब आपने ए बी ई दिया था असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन, वहीं पर ये चीज़ें थी कि आपको नाम भी लिखना होता था और सिग्नेचर भी था, बट अकॉर्डिंग टू मी ओ बी ई इस गाइडलाइंस में, अगर आप लास्ट ईयर की भी गाइडलाइन देखें, सॉरी जो लास्ट टाइम ओ बी ई गाइडलाइंस हैं उनमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको नीचे सिग्नेचर करनी है, आपकी आइडेंटिटी आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है ओपन बुक एग्जामिनेशन में, ओके गाइज। ऑलराइट गाइज लास्ट में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, आप अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, या आपके जूनियर्स को आप बता सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जौन से सेमेस्टर में वे हैं, जौन से सेमेस्टर में आप हैं, आप अकॉर्डिंगली अपना मटेरियल देख सकते हैं वीडियोस। और सेकेंडली हमने एक वेबसाइट बनाई है विच इज़ www.dayalacademy.com, द वेबसाइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी पेजेस एक्टिव हैं जो आपके काम आ सकते हैं, आई मीन द रिसोर्सेज एंड द वीडियोज। एंड गाइज दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।